अभी कोई प्रश्न पूछ रहा था तो मैंने सोचा देखो यथा योग्य उत्तर आ जाए तो आ जाए। एक लड़की है, उसे कोई अन्य जाति का लड़का पसंद आ गया, तो साहब क्या करना चाहिए, कैसे समझाएं? अब कैसे समझाएं भैया, अब ऐसे ही समझाओ कि जैन धर्म वीतरागी धर्म है, इसमें राग द्वेष के लिए कोई जगह नहीं है। तुम जिस धर्म में जाने वाली हो वहाँ देखो कैसा स्वरूप है, भगवान शादियां कर रहे हैं, भगवान किसी की पत्नी उठा के ले जा रहे हैं, हाथों में हथियार लिए हुए हैं, राग द्वेष से युक्त हैं, वे उन्हें भगवान मानते हैं, वे भगवान को कर्ता धर्ता मानते हैं, रात्रि भोजन करते हैं और शराब पीते हैं, और ज़्यादा बिगड़ जाए तो मांस मदरा भी खाने लगते हैं। लेकिन जैन धर्म तो इतना पवित्र धर्म है कि यहाँ तो पानी छान कर पीने के लिए कहते हैं, किसी जीव को मारना तो बहुत दूर की बात है। सप्त व्यसनों से रहे, अन्य 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 मतों में क्या है, शादी कर ले, एक को छोड़ दे दूसरी से कर ले, क्या फर्क पड़ता है वहां तो कोई ऐसा। लेकिन जैन धर्म में बहुत व्यवस्था, कसाई की मंदता, बहुत विचार पूर्वक जीते हैं, सुख पूर्वक रहते हैं। अन्य मती तो क्या करते क्या नहीं करते क्या कह सकते हैं, उसको समझाओ भाई, समझ जाए तो होनहार भली होगी तो समझ जाएगी, नहीं समझेगी तो अपन कौन होते समझाने वाले। यही विचार करना, मूढ़ता चल रही है, पत्थरों को पूज रहे हैं, देवी देवताओं को पूज रहे हैं, हैं गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे ऐसी मानना। और जैन धर्म, ओ जैन धर्म तो गजब का दर्शन, शुभ भाव अशुभ भाव शुद्ध भाव ऐसी व्याख्याएं आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। ये शुद्ध भाव की व्याख्या जैन धर्म में है, सारी दुनिया तो शुभ अशुभ पुण्य पाप, इससे आगे उनकी कहानी नहीं चलती है। तो गुरुदेव क्या ले रहे थे कि शास्त्रों में लिख दिया है कि मुनिराज को साधुओं को आहार दोगे तो संसार खत्म हो जाएगा, तो कहते ऐसे नहीं होता कभी संसार खत्म, साधुओं की सेवा करोगे तो संसार मिट जाएगा, कुछ नहीं मिटता। तो निर्विचिकित्सा और अमूढ़ दृष्टि, और मूढ़ता माने अमूढ़ दृष्टि माने सब में ज्ञान सहित होता है, मूढ़ता रहित होता है। तो मूढ़ता क्या है, देखा देखी, देखा देखी, ये लोग मूढ़ता माने देखा देखी। लाखों आदमी जिस बाबा को मान रहे उसको बाबा को मानने भी चले गए, जिस पत्थर को लाखों आदमी पूज रहे उसको ये भी पूजने लगे, ये सब लोग मूढ़ता कहलाती है। अपने यहाँ पे भी लोग मूढ़ता है कि कोई ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति है बस इस बात से सुनने लग गए, भाई ब्रह्मचारी होने से क्या मतलब है, हैं कोई साधु है तो अरे भाई वो हमारे मतलब की वस्तु स्वरूप की बात बता रहे कि नहीं बता रहे। अब हैं तो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति और जो है वस्तु स्वरूप के विपरीत बात कर रहे हैं तो क्या सुने, क्यों सुने। लेकिन नहीं, सब लोग सुनने जाते हैं, अपन को भी जाना चाहिए, तो ये सब मूढ़ताओं में आता है। हेल में हाँ बिल्कुल, आप लौकिक दृष्टि से किसी भी कार्य को देखा देखी करने लगते हो बिना सोचे समझे, वो सब मूर्ता है, सब मूर्ता है। नहीं समझ में आया, महावीर जी नई गाड़ी ली, कहाँ जाते हैं महावीर जी, गोला लेके हैं, हाँ अभी शायद ये जो घटना घटी है ये भी नई गाड़ी ली थी इनने, हाँ है ऐसा मेरे तो सुनने में आया है कि वहाँ गए थे। जो भी हो अपन को कुछ अपन नहीं कह रहे, अरे हम कह रहे ठीक है कुछ, वो देखो ये तो इधर से उधर, लेकिन करते ही है ना लोग ऐसे हजारों केस। अगर आप अभी रिसर्च करो तो अभी 2-4-6 महीने हजारों केस मिल जाएंगे कि नई गाड़ी ली और देवी देवताओं के पास गए, लौट रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, मर गए। तो लोग मूर्ता है ना, एक जब भगो गाड़ी लेके जाओ, नहीं ली तो भगवान के पहले पास, कुछ नहीं, सब बेकार की बात है, कुछ होता ही नहीं बात, ये तो सब आपकी मान्यता है, हैं वो कुछ होता नहीं है। अब देखो अपने यहाँ बिल्ली रास्ता काटे तो अशुभ, और जापान में बिल्ली रास्ता काटे तो शुभ, गजब है। वहां बिल्ली काट जाए तो बड़े खुश होते हैं, ये बढ़िया काम बनेगा। हिंदुस्तान में तो क्या क्या है, हैं मूर्ता है तो जितनी चाय बना लो, पीपल के पेड़ को पानी पिला रहे उसमें धागा बांध रहे, करते कि नहीं करते, देवी क्या क्या करते हैं सब मूर्ताओं के नाम पर। और जैनियों में कम थोड़ी है, पदमपुरा में भूत भगाते हैं, महावीर जी में क्या क्या, सब जगह चलता रहता है।
तो अपने को इन मूर्ताओं से बचना चाहिए। और थोड़े नजदीक लें, जो प्रक्षाल आदि में भी अपन मूर्ता करते हैं, प्रक्षाल आदि में भी कि साहब बड़ी प्रतिमा का हमें पहले मिलना चाहिए। क्या बड़ी प्रतिमा, क्या छोटी प्रतिमा, वीतरागी भाव है भाई, है जी अतिशयकारी प्रतिमा है इसका, क्या प्रतिमा काहे की अतिशयकारी, किस बात की चमत्कारी, ये सब मूर्ता, इनसे बचना चाहिए। ख्याल में आए कि नहीं? अब तो सब भगवान बराबर है भाई, हमें तो अजितनाथ हो, तो सुमितनाथ हो, दो आदिनाथ हो, क्या ये सब, यही तो वीतरागी धर्म है। लेकिन अपन को भी कसाई भरी पड़ी हुई है, तो अपन को भी ये सब अंदर ध्यान तो रहता नहीं कि इस तरीके की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। अपन तीर्थों पर जाएंगे तो सारी प्रतिमाओं के दर्शन अच्छे से नहीं करेंगे, केवल अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन। क्यों करना अतिशयकारी प्रतिमा, अरे सबके बराबर करो जी। अंदर ऐसा लालच क्यों है कि जो अतिशयकारी है तो बहुत उसी उसी को देखे जा रहे हैं, उसमें कोई लाल लग रहा है क्या? हैं, सब भगवान बराबर हैं। लेकिन ऐसी अंदर वो मानता जो लोक मूर्ता में जाता है जी, सब सूक्ष्म लोक मूर्ता है ये सब। ख्याल में ना, आपको लगता है कि हमारे अंदर तो कोई लोक मूर्ता है ही नहीं, हम तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं, उसी का अभिषेक करने मिलना चाहिए, हम उसी की बोली लेंगे। ये सब क्या है ये सब कि देखा देखी करते हो, देखते हो तुम जैसे इतने भी अपने अतिशय क्षेत्र हैं, सब पे बोलियां लगती ना प्रक्षाल करने की, तो ये सब अपन को सहज होना चाहिए कि नहीं अपन को ऐसा। हो गया ना, मूर्ता हो गई। तो देखो जैन धर्म में इतने पवित्र जैन दर्शन में इतना वीतरागी दर्शन है, वो तो फिर भी कोई लड़की अन्य मतियों से शादी करना चाहे तो भैया उसकी होनहारी खोटी है वास्तव, महापाप का उदय आवे जो अन्य लड़कों से, अन्य जाति के लड़के उसे पसंद आ जाए। जैन धर्म छोड़कर, अरे पूज्य गुरुदेव श्री तो ऐसा लेते थे कि अजैन तो छोड़ो, विधर्मी से शादी नहीं करना। ऐसा गुरुदेव श्री के पास प्रश्न आया कि साहब अपन मुमुक्षु हैं और अपने सब तत्व ज्ञान अपन ने लड़की को पाठशाला भेजा, सब समझाया पढ़ाया लिखाया, अब लेकिन उसके योग्य मुमुक्षु कोई लड़का नहीं मिल रहा, और जहाँ भी लड़के मिल रहे हैं वे रात में खाते हैं। समझ में आया, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ है तो क्या करना चाहिए? तो पता क्या कहते थे गुरुदेव, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना चाहिए, इतना बोलते थे। वो कहते थे विधर्मी से शादी करना माने नरक जाने की तैयारी करना, शादी तो केवल और केवल साधर्मी से करना। वो सच बता रहा हूं, जो अपनी लड़की का रिश्ता ऐसी जगह कर देते जहां तत्व ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है, वो एक प्रकार से पाप ही है। वो तुमने पैसा देख के और वैभव देख के शादी कर दी, ये नहीं देखा कि तत्व ज्ञान है कि नहीं, ये नहीं देखा। आज अपने जितने बड़े बड़े अपन स्वाध्याय सुनते हैं, अन्यथा नहीं लेना, सुनते हैं सब बातें, इतना समझते कीमत तत्व की, फिर भी अपनी लड़की की शादी करने की बारी आएगी तो अपन शास्त्रीय विद्वान से नहीं करेंगे, अपन पैसा देखेंगे। क्या देखेंगे? पैसा, पैसा होना चाहिए, चाहे वो रात में खाता हो, जमीकंद खाता हो, बाजारों में खाता हो, मंदिर तक नहीं आता हो, स्वाध्याय से तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन पैसा बहुत होना चाहिए। सुख का आधार क्या बना रखा है? पैसा। और जबकि रोज सुनते हैं, इस पर्याय का सुख क्यों देखता है? अरे अनादि अनंत स्वरूप देखना वस्तु का, अनंत काल रहना। अगर अजैनों में शादी कर लेना, ये तो और माँ मूर्खता की, तो बिल्कुल ही पागलपन की बात है ना, बिल्कुल ही। लेकिन क्या होता है, अब आजकल आधुनिक युग है भैया, सबको ये पंच इंद्री विषय भोगों में महासुख की कल्पना हो गई है, चार गति परिभ्रमण घूमना है, इसलिए बस ऐसी बुद्धि चलती रहती है, पैसा 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 पैसा। लेकिन वास्तव में अपना जहाँ तक भाव हो, साधर्मी को ही देने का भाव होना चाहिए। मैं तो सच बता रहा हूँ, ऐसा भाव आवे कि अपन जो स्वाध्याय में नहीं बैठता हो, समय सार नहीं सुनता हो, उनसे तो रिश्ता बनाना ही नहीं। अपना तो रिश्ता पहले यहाँ से बनेगा, तुम ये बताओ स्वाध्याय में जाते हो कि नहीं? हम तो नहीं जाते, हमारे बस की नहीं तुमसे बात कर, नहीं सा हमारी नहीं चले, नहीं चले तो ठीक है, लेकिन भावना ऐसी होनी चाहिए। हम ये तो जानते हैं कि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, हटाग्रह नहीं रखना, हटाग्रह की हमारी तरफ से वो नहीं है, लेकिन अपनी भावना अपने हृदय में तो ऐसा ही होना चाहिए
जैसे अपने हृदय में होता है कि नहीं कि हमारी लड़की भैया सुखों में जाए, बाकी अंदर तो निर्णय है कि भैया भाग्य जिसका जैसा, ये भावना तो होती ना, ऐसी अपनी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हमारी बेटी हो या हमारी बहू हमारे घर में आनी हो तो समय सार सुनने वाली आ जाए। और फिर तुम लोगों के दिल्ली वालों की प्रॉब्लम क्या है बता ही देता हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हूँ ना इसलिए बता देता हूँ। तुम्हारे दिल्ली वालों में एक बहुत बड़ी कमी है जो मुझे बहुत लगती है, तुम लोगों को पता नहीं मानसिकता क्यों बनी हुई है कि शादी यही करना, शादी दिल्ली की दिल्ली में ही करना, लड़की भी दिल्ली में लेना और लड़की देना भी दिल्ली में, जैसे पता नहीं सारा सुख दिल्ली में बैठा हो। मैं तो कहता हूँ उल्टा दिल्ली छोड़ के दूसरी जगह कर, क्योंकि ये दिल्ली तो वैसे ही चैम्बर बन गई पॉल्यूशन की। अच्छे छोटे शहरों को देखो, छोटे शहरों की तरफ जाओ, इतने सुखी रहते लोग क्या बताओ। दिल्ली वाले बिल्कुल अपनी लड़की देनी नहीं चाहते छोटे शहर में। अरे साहब दिल्ली वाले क्या, दिल्ली वाले गली कूचे भर जाओ, वो बिहारों में रहने के लिए 10 करोड़ लेके आओ, कहाँ से लेके आओ, गली कूचों में मरते ना अधिकतर तो है, बिहारों में कितने लोग पहुंच जाएंगे, कितनों को रख लेगा बिहार, कितना बड़ा है वो बिहार, सब जेएनयू को दे देगा जगह बिहार है। आधी जिंदगी तो तुम्हारी गली कूचों में कट जाती है और 60 साल में 62 साल में तुमने कोठी वोठी बनवा भी ली जोड़ झाड़ के तोड़ ताड़ के, तो क्या कितने दिन रहोगे क्या। और सुनो, दिल्ली में कोठी बनवाना मंदिर से दूर हो जाए जे और एक समस्या, स्वाध्याय से दूर हो जाए, क्योंकि अब भैया वो अनुकूलता नहीं है। और अभी तो कुछ नहीं है, अभी जब और उम्र बीतेगी तो वो बिल्कुल मंदिर ही नहीं जा पाओगे। अब अभी तो लगता है कि साहब और दिल्ली में काय का सुख है क्या। देखो अभी वो नोएडा का पोल्यूशन पढ़ लो, सब लोग खुले में कहते ना खुले में, नोएडा का पोल्यूशन यहाँ दिल्ली से ज़्यादा आता है, जब उठा के देखता हूँ अखबार नोएडा में इससे ज़्यादा है। क्या है क्या बात करें अपन, कि तो बिहार क्यों, बिहार में तो सब, बिहार में तो कम पोल्यूशन होगा, वो आता है यहीं सायदरे में कि नहीं, इसी आनंद कौन सा नगर है तुम्हारा, इसी एरिया में आता है कि नहीं आता, हाँ तो पॉल्यूशन है कि नहीं, आनंद विहार की लिखा आता अखबार में। लेकिन दिल्ली वालों की बिल्कुल ऐसी मान्यता है, बहू भी लड़की भी, ऐसे लड़की भी नहीं लेते बाहर की, जबकि तुम बाहर की लड़की लो तो ज़्यादा बहुत बड़ी अच्छे मोक्षु परिवार अच्छे, देखो बात है कि नहीं यही करेंगे यही करेंगे यही करेंगे, अब यही करते रहो, अब तो यही करो तो फिर बस फिर बोलते। तो अब मैं उदाहरण में क्यों दे रहा हूँ, उस बच्ची के लिए बोल रहा हूँ ये, जो वो साहब मुझे कोई ऐसा विकल्प नहीं है, तो प्रश्न पूछा किसी ने तो उसके लिए जवाब दे रहा हूँ। तुमने कहा चलो एक आध 10-5 मिनट इसी पर बोल देता हूँ, हम मेरे बोलने से होगा कुछ नहीं, होना तो जिसका पर्टमन वैसा वो तो मुझे निश्चित है, लेकिन भाव आता कि भैया अपने को अंतरंग में तो ये जैन धर्म मिला है, ये वस्तु स्वरूप मिला है, को धर्म में नहीं जाना, अजैनों में शादी नहीं करना, कि साहब शादी नहीं हूँ कोई आफत नहीं आती, लेकिन जो कुधर्म में चले गए अपना धर्म छूट गया, इससे बड़ा नुकसान कुछ है है। मैंने गुरुदेव श्री ने ये बोला सीधा कि बन जाओ ना, मत करो कोई आफत नहीं आ रही, क्योंकि अगर तुम्हें धर्म इतना पसंद आया है तो तुम विधर्मी से शादी कैसे कर सकते हो, जरा से भोग के लिए विधर्मी के साथ जो वालू खावे रात में खावे, क्यों सिगरेट पिए गुटखा खावे और क्या हो सकता है, हैं होटलों पे खावे सड़ा गला खावे नॉन वेज होटल में बैठ के वेज खावे क्यों। आजकल ये और चल गया है, ऐसा लिख देते हैं वेज नॉन वेज, तो आजकल की पीढ़ी कहती है अपन वेज ले लेंगे। मुझे तो इतना आश्चर्य होने लगा है कि जैनी कहाँ से कहाँ जा रहे, कैसी बुद्धि फिर रही है। माने वो सुख भी क्या माना, नॉन वेज होटल में वेज खा लेने सुख मान रहे जी, देखो तो वो जैन कुल में जन्म लेके जैन धर्म में जन्म। अब आजकल कहते सब चलता ही, बिल्कुल चलेगा, नरक जाना है ना इसलिए सब कुछ चलता है, निगोद जाना है ना इसलिए सब कुछ चलता है, सब कुछ चलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। माने हमें एक गृहस्थ के योग जो अपना आचरण है उतना आचरण तो होना ही चाहिए, मुझे विधर्मी के साथ जाओगे तो वो आचरण पाल पाओगे क्या, कैसे अब जो मैंने कहीं देखता हूँ, कहीं का सुना मैंने, देखता हूँ अनुभव करता कि लड़की यहाँ थी बढ़िया और वहाँ गई, लड़का रात में खाता था, उसका रात कहना रात में खाना पड़ेगा तुझे मेरे साथ, मैं यहाँ तेरे से देखने नहीं बैठा इबरत, आओ फटाफट खाने लगी, क्योंकि पति का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है ना भाई, पुरुष का प्रभाव स्त्री पे जल्द पड़ता है, वो जैसी कहते वो कमज़ोर होती तो वो ठीक है मान जाए। और फिर ऐसी छूटे
ऐसी चिड़ हुई धर्म से कि वह पलट के नहीं देखते। मैं तो कितनों को जानता हूं, मैंने खूब बच्चों को पाठशाला भी पढ़ाया है, खूब जगह जगह प्रवचन करने गया हूं, मैं सब देखा है सब। क्या कर सकते भैया, कम से कम अपन को अगर अपन ने, और देखो ये जरा जरा से लालच देखना, ध्यान देना थोड़ा इधर, ये मोह कुछ नहीं देता, दुख देता है। क्या देता है? दुख देता है। अब मैं नाम तो नहीं ले सकता मैं, लेकिन मैं तुम्हें उदाहरण दे के समझा, जिन पे भी तुम्हें कभी कभी करुणा आती है ना, करुणा आती ना तुम्हें, क्या रे देखो इनके साथ क्या हो रहा, समझ रहे हो जैन साहब, आती ना तुम्हें, कई अपने भाई साधर्मियों को देख रहे, देखो इनके बच्चे कैसे कर रहे हैं, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि इनने क्या किया। नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, नहीं पकड़ में आ रही। तुम जब 50 साल पहले मोक्षु बन गए थे, तुमने अपने सारे बच्चे विधर्मियों में क्यों दिए? क्यों तुमने टिके नहीं रहे, हम नहीं देंगे विधर्मी में? तुमने उस समय लालच देखा, पैसा देखा, क्या देखा, अपनी लड़की भी उन घरों में दे दी जहां धर्म का कोई नाम लेने वाला नहीं, ध्यान है, अपने लड़के भी भूंगे भी कौन सी लाए, नौकरी वाले, नौकरी वाले, अजय नौकरी वाले, नौकरी वाली लाओ दो पैसा। अरे तुम जब मुझे बात बताओ, तुम बहु सच बात बताना, अपनी सेवा भाव तभी तो करेगी वो, जब वो तुम्हारे अधीन रहेगी। अगर वो खुद ही 1,00,000 रुपए कमाएगी, वो क्यों करेगी तुम्हारे, दुनिया कौन मूर्खों ने कर रखा है कि भैया वो खुद 1,00,000 रुपए कमा के लाएगी और तुम्हारी सेवा भी करेगी, क्यों करेगी? और सीधी सी बात है, पैसा तो जो पैसा है वो तो जड़ है मूर्खता की, वो तो पैसा आवे तो आदमी क्या पागलपन करे, कुछ उसकी लिमिट है क्या? ए अभी आप शांत हो गए, स्वाध्याय में बैठे हो, तत्व सुन रहे हो, अब भी आप में 1,00,000 रुपये आ जाए, आप 1 मिनट में चले जाओगे यहाँ छोड़ के, अब कहोगे बिहार में खरीदो, मुझे लेना देना नहीं स्वाध्याय से, तुरंत चले, आपको लगता है? तो अब बताओ, लड़का भी कमा रहा, बहू भी कमा रही, दोनों प्लानिंग कर लेते हैं यहाँ कहाँ रहना, चलो यहाँ से, कि वो मम्मी पापा, अरे ठीक है वो मैट वैट रख लेंगे अपना, करेंगे अब क्या करें, लो अब तुम्हें लगता है कि देखो जमाना का, लेकिन मैं ये कहता हूँ शुरुआत किसने करी, तुमने क्यों क्यों ली इतनी पढ़ी लिखी बहू, जब तुम्हारे पास इतना पैसा था, लड़का तुम्हारा अच्छा कमाता था, क्यों इतनी पढ़ी लिखी के चक्कर फंसे, वो भी नौकरी करेगी है? और नहीं, कई लोग ऐसे शर्त रख देते कि तुम नौकरी नहीं करोगी, हमारे भाई साहब शर्त रख दी, तुमने शर्त रख दी तो वो शर्त मानेगी क्या? तो अभी तो कह देगी ठीक है, और जब वो आएगी और जब उसका ईगो हर्ट करेगा, उसे लगेगा मैं पिछड़ गई, मैं पिछड़ गई, तो क्या होगा, मैं अब जा रही हूँ जॉब पे, मेरे बस की नहीं है तुम्हारा चौका बर्तन करने के लिए, मैंने MBA नहीं करा था, मेरे बस की नहीं है रोटी बना बना के खिलाना, रख लो एक मैट वैट 12,000 की मिलती है ना, मेरी नौ मेरी उसमें से ले लेना, और क्या करोगे अब क्या करो? अरे तो ये पुण्य दुर्गति कराता है। अरे हम आपसे पहले ही कह दिए, हमने पहली लाइन खींच दी ना, हम सिर्फ उपदेश दे रहे, व्यवहार का कथन है, होना तो योग्य है, तुमने पहले ही कह दिया, तुम्हारे अंदर भावना ऐसी होनी चाहिए, ऐसा तुम्हारे अंदर ऐसा भाव होना चाहिए कि साधर्मी से बहुत बढ़िया हो जाए, वो तो हमने पहले ही कह दिया, अगर तुम्हारी लड़की के भाग में विधर्मी है तो क्या करोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर से उसका समर्थन नहीं होना चाहिए। भाई जैन धर्म में तो कर्तावादी तो है नहीं जैन धर्म, लेकिन जैन धर्म अनुमोदनावादी तो है, तुम गलत कार्य की अनुमोदना नहीं करना, इसके लिए स्वतंत्र बागी करता नहीं हो तुम, जो जिसका परिणाम होना है वो तो होगा, लेकिन अंदर से विचार करोगे तो कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है, ये सब अपने अपने कर्मों के खेल है।